नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज बुधवार 18 दिसंबर है। हर रोज़ की तरह हम आज भी निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। इंट्राडे में निफ्टी का व्यापार कैसे किया जा सकता है, हमने कल आज के लिए क्या योजना बनाई थी, क्या प्लान किया था, आज बाज़ार ने क्या किया, हम क्या कर सकते थे या क्या किया हमने, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। साथ में इधर उधर की एक दो बातें भी कर लेंगे आज। पहले आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी ठंड है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और 3 दिन हो गए सूरज भगवान के दर्शन हुए नहीं। आज 3रे दिन दोपहर में थोड़ी रोशनी आई तो लगा कि हम पर कृपा हुई है शहर पर। शाम होते होते वापस वैसी ही ठंड हो गई और अंधेरा है और ज़बरदस्त ठंड है। 22 सालों में दिल्ली में ये सबसे ठंडा दिसंबर का महीना जा रहा है और हमको ऐसा लगता है कि जनवरी में जो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है उससे ज़्यादा अभी ठंड महसूस हो रही है क्योंकि साथ में हवा भी है। खैर, ये मौसम है, मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से जो लोग उत्तर भारत में नहीं रहते हैं उनको इस ठंड का मज़ा हमारी बातों से ही आ सकता है, तो कहने का इतना ही मतलब है। दूसरी बात है विदेशी बाज़ारों की, जहाँ की अमरीकी बाज़ार लाइफ टाइम न्यू हाइज निरंतर बना रहे हैं। आप ये समझिए कि अमेरिका डेवलप्ड विकसित देश है, वहाँ पर ग्रोथ होना, वहाँ पर शेयर बाज़ार की इतनी ताकत दर्शाना आश्चर्यजनक है। तो वो देश, उसको हम ऐसे हल्का फुल्का नहीं समझें, वो देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, सबसे शक्तिशाली देश है और उसका कोई कारण है। कारण ये है कि वहाँ इनोवेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है, लोग इतनी मेहनत करते हैं, सोचते हैं, नए काम करते हैं, नए आविष्कार करते हैं कि वहाँ पर ग्रोथ रुकता ही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम भारत में कई बार मायूस हो जाते हैं कि 4.5% GDP हुई, अब क्या होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी है। आप मानिए कि हमारा रास्ता बिल्कुल सही है, बीच बीच में रुकावटें आएगी ही। ये कभी नहीं होगा कि बाजार, शेयर बाज़ार निरंतर रोज़ तेज़ी करके रोज़ लाइफ टाइम न्यू हाइज बनाएगा। बनाएगा क्या? नहीं बना सकता है। कभी वो रुकता है, कभी कंसोलिडेट करता है, कभी वो डीप करेक्शन करता है, लेकिन अगर बुल मार्केट है तो फिर वो न्यू हाइज बनाएगा ही। उसी तरह से हम है ना प्रगति और ग्रोथ के पाथ पर है हमारे देश में। एक बार GDP घट गई, ये भी एक साइकिल होता है, बहुत कारण हो सकते हैं और ये कारण आप समझिए स्वाभाविक भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और ये निकल भी जाते हैं। 6 महीने बाद आपको ये दिन याद ही नहीं आएंगे, साल भर बाद आप सोचेंगे हम उस भारत में हैं जहाँ प्रगति की रेस हो रही है। तो अमेरिका की तरह भारत भी बिल्कुल उस जगह है जहाँ इनोवेशन डेवलपमेंट सब चीज़ें होंगी और हो रही है, वो दिख जाएगी, थोड़े दिनों की बात है। और दिखने के बाद ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शेयर बाज़ार में उछाल आएगा। कई बार शेयर बाज़ार और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में फ़र्क होता है, पर कभी न कभी उसका असर हम पर भी पड़ेगा, जैसे अभी वहाँ पड़ रहा है। अमेरिका में शेयर बाज़ार खुशहाल है तो हमारा बाज़ार अभी भी खुशहाल है और आगे और भी होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई आप अपना और दूसरी बातें भी किया करो, और आज बहुत उपयुक्त समय है, निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई फिर से बनाया है तो, और अमेरिका में यही हो रहा है तो मैंने सोचा आज इस बात को कर लें। आप समझ लीजिए कि भारतीय बाज़ार, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाज़ार अगले 10 सालों में विश्व के सबसे अच्छे बाज़ार और अच्छी अर्थव्यवस्था में रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यह तो हो गई इधर उधर की बातें। अब हमने आज के लिए क्या प्लान किया था? आज के लिए प्लान किया था कि कुछ नहीं करेंगे क्योंकि रुख नहीं बन रहा था। कल लाइफ टाइम न्यू हाइज थे, ये मालूम नहीं था कि फॉलो थ्रू होगा, ये मालूम नहीं था कि हम करेक्शन करेंगे या कंसोलिडेट करेंगे, तो यही समझ में आया था कि चुप बैठ जाओ, अगर कुछ करना है तो डिप पर बाइंग करना, नहीं तो मैंने कहा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वही किया मैंने। सुबह 12 बजे तक बाज़ारों ने कोई रुख नहीं दिखाया, नीचे गए, बल्कि सुबह का जो 15 मिनट का लो था उसको तोड़ भी दिया नीचे की तरफ। 12 बजे के बाद हल्की तेज़ी दिखाई पड़ने लग गई और धीरे धीरे करके 3:30 बजे तक 50 पॉइंट निफ्टी तेज़ी में बंद हुआ। कुछ तो सुबह ही हो चुकी थी और कुछ दिन में 12 बजे के बाद वो जोड़ता गया 2-2, 4-4 पॉइंट और अंत में जाके अच्छी तेज़ी दिखाकर बंद हो गया। तो आज फिर लाइफ टाइम न्यू हाइज थे, हमने कोई ट्रेड किया नहीं। अगर आप ट्रेड करते तो आप केवल खरीदने का ही ट्रेड कर सकते थे क्योंकि
तेजी के बाजार में बेचना कोई मतलब की बात नहीं है। ये ठीक है कि 10 5 पॉइंट 20 पॉइंट कभी मिल जाते हैं, लेकिन हम किसके सामने खड़े हैं? भागते हुए बाजार के सामने खड़े हैं, वो हम कभी नहीं करेंगे। तो चुप बैठिए या खरीदिए, मैं चुप था। कल की बात अब देखते हैं। कल बृहस्पतिवार है, कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, कल बहुत ऊंच नीच हो सकती है। लेकिन आज का जो रुख हमने देखा कि बाजार टॉप पर बंद हुआ, हो सकता है कि कल हमको कम से कम एक तेजी मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो हम उसको पकड़ने की चेष्टा करेंगे। उसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि चुपचाप बैठिए, 40-50 पॉइंट की मंदी कभी भी आ सकती है कल दिन में। अब मैं आपको एक अंक दे रहा हूँ, हो सकता है 35 पॉइंट हो सकता है 55 पॉइंट हो, वो आनी चाहिए। तो हम उस मंदी में खरीदेंगे, टाइट स्टॉप लगा लेंगे 30 पॉइंट का स्टॉप, और तब खरीदेंगे जब दिखेगा कि बाजार नीचे आना बंद कर चुका है। तो एक तो ये खरीदने का तरीका हो गया कि हम चुपचाप बैठकर वेट करेंगे और एक मंदी के बाद हम बाइंग करेंगे। और बाइंग करके, चूँकि ये इंट्राडे ट्रेड है, हम कुछ ना कुछ लेकर निकल जाएंगे। ये नहीं है कि बहुत बड़ी चाल के लिए वेट करेंगे, जो मिल जाएगा सो ठीक है। दूसरा तरीका एक और है, वो हमारा फेवरेट तरीका है। वो ये है कि सुबह सुबह 15 मिनट का हाई ले लीजिए और 15 मिनट के हाई के ऊपर आप खरीद लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, ये कल के लिए, सिर्फ कल के लिए। सुबह कल आप अगर बाजार गैप से नहीं खुलते हैं तो आप 5 मिनट का हाई ले लीजिए। उस पहले 5 मिनट का, उस हाई के ऊपर जाने लग जाए निफ्टी तो आप खरीद लीजिए, और 20 या 25 पॉइंट का एक उपयुक्त स्टॉप लगा कर रख दीजिए। ये हिट एंड रन ट्रेडिंग है सुबह के लिए, वहाँ भी एक तेज़ी मिल सकती है। सो दो तरीके हैं कल बाजार में प्रवेश करने के, दोनों बाइंग के हैं। एक सुबह 5 मिनट के ब्रेकआउट पर और दूसरा अच्छी करेक्शन के बाद खरीदने की। अब देखेंगे कल शाम को होता क्या है और हम फिर बात करेंगे। मैंने आज कई बातें आपके साथ की है और आप उसको सुनते हैं धैर्य से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।